गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग हाँ, आप लोग एडमिट नहीं होते हो अभी। देखो 1 मिनट, 28 ही बच्चे एडमिट हुए हैं और 11:05 हो गया, इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर रही। मैम, सर अब आइए। वन थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चिल्ड्रेन, जैसे कल मैं होमवर्क दी थी, राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला, आपने आपने लिखा था? यस मैम, यस मैम, अच्छा, यस मैम, यस मैम। तो मयंक राज, यस फर्स्ट फॉर्मूला का यस मैम फर्स्ट क्या था मयंक राज, जल्दी बोलो। मयंक राज फर्स्ट क्या था? देवांशी फर्स्ट फॉर्मूला सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट फॉर्मूला बोलो। मैम एन ए सोडियम का ए, मैम एन ए प्लस, मैम एन ए टू एस ओ फोर, मैम एन ए टू एस ओ फोर, एन ए टू एस ओ फोर, वेरी गुड। अब आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट रूपाली, रूपाली 70, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। नेक्स्ट फॉर्मूला का नाम बताओ, नाम बताओ। मैम एल्काइड, वेरी गुड, ए एल सी एल, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। थर्ड बोलिए मैम एल्यूमिनियम क्लोराइड में सी एल, मैम सी एल ब्रैकेट में होगा सी एल, नहीं मैम ए एल सी माइनस, वो मैम क्या मुझे ब्रैकेट कहाँ देना, नहीं समझ आया। एक मिनट पहले पहले सुनिए, कि मैं सबको म्यूट कर दूंगी, इतने सारे म्यूट हो, मैं सबको म्यूट कर दूंगी, तब आप हल्ला करोगे। तो मैं बोली कहाँ देना है? मन्नत आप हल्ला कर रहे हो इसलिए मैं म्यूट की हूँ। मन्नत थर्ड यस मैम फॉर्मूला का नाम बोलो। मन्नत मैम, मैम कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, वेरी गुड, सही है, बहुत बच्चे अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं तब तो। कैल्शियम फॉस्फेट, वेरी गुड। आइए फोर्थ, हनी कुमारी, यस मैम, हाँ बताइए फोर्थ क्या था? मैम मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्मूला बताइए। मैम Mg2 प्लस Cl माइनस, मैम इज इक्वल टू फॉर्मूला MgCl मैम 2, यस MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, बहुत सीख गए आप लोग तो। अच्छा नेक्स्ट एज देवांशी, देवांशी नेक्स्ट, मैं बोलूं देवांशी, मैम नेक्स्ट इज जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला बोलो। ZnOH2, यस वेरी गुड, आप OH को ब्रैकेट में लिखे हो, हाँ वेरी गुड, वाह, यस मैम। चलिए आपके पेरेंट्स भी हेल्प कर रहे हैं घर में क्या? क्यों ब्रैकेट होगा? नो मैम, खुद से किया। नो मैम, नहीं अगर आप पेरेंट्स से भी हेल्प, मैंने खुद से किया है। अच्छा चलो खुद से किया हो तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पेरेंट्स भी हेल्प कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हो, मैं ये बुरी बात नहीं है, ये तो तुम्हारा ऑनलाइन क्लास है, बहुत बच्चे क्या करते हैं नहीं समझ पाते हैं तो फिर किसी की सहायता लेते हैं, तो लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो क्योंकि आप घर में हो, हाँ, और खुद से कर रहे हो तो और अच्छी बात, ठीक है। इस आज मैं फिर दूंगी कुछ फॉर्मूला लिखने के लिए, हाँ चलिए तब तक हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल चेंज क्या है और केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट ब्रैकेट कहाँ दिया जाता है बताइए ना प्लीज, होमवर्क कहाँ दिया जाता है, स्नैप होमवर्क, ब्रैकेट ब्रैकेट मैम ब्रैकेट, वो अच्छा ब्रैकेट कहाँ दिया जाता है, देखिए जैसे ओ एच, इसमें ओ है एच है अलग अलग है, तब दोनों को मिला करके हम ब्रैकेट देंगे। सी एल केवल एक का सिंबल है, सी एल क्लोराइड का सिंबल, क्लोरीन का सिंबल है सी एल, सी एल, और ओ एच इसमें दो है, ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है,
इसमें दो है समझे, अमोनियम में भी दे सकते हैं। हाँ, इसमें ओ भी है और एच भी है हाइड्रोक्साइड, इसलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट देंगे। आप सीख जाओगे, डोंट वरी, आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे। अभी ये मत सोचो कि ब्रैकेट कहाँ देना है नहीं देना है। अभी मैम और एक और मैम फॉर्मूला पूछना है, मैम मैम अल्यूमिनियम और एक्टेट का, अल्यूमिनियम और मैम एक्टेट का, अल्यूमिनियम क्लोराइड, नो मैम अल्यूमिनियम और एक्टेट का। अच्छा, एल्युमिनियम में 3+ होता है। यस मैम, एल्युमिनियम में 3+ होता है और सीएल में माइनस होता है। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो एल्युमिनियम का 3 सीएल के नीचे आएगा और सीएल के ऊपर 1 है तो 1 को नहीं लिखते हैं, 1 को नहीं लिखते हैं, समझे? मैम एक बार जिंक हाइड्रोक्साइड का है ना। हाँ देखिए, पहले समझिए जिंक हाइड्रोक्साइड, पहले समझिए जिंक हाइड्रोक्साइड जेड एंड 2+, आप लिख लिए जेड एंड 2+ लिख लिए, अब बुक से ही देख के लिखो, हाइड्रोक्साइड ओ एच माइनस लिख लिए। जब आप दोनों को मिलाओगे तो जेड एन का 2 ओ एच को घेरो पूरे ब्रैकेट में, ओ एच के नीचे चलाएगा। हाँ, ओ एच को ब्रैकेट में डाल के नीचे लिखो 2, लिख लिए मैम। पेज नंबर मैम पेज नंबर 35 में जो है ना मैम सिंबल, उसके 7th नंबर में जो है मैम नेम ऑफ द इयोन, इसको क्या बोलेंगे? पेज नंबर 35 कौन सा बेटा, फिर से बोलिए मैम। मैम नेम ऑफ द मैम नेम ऑफ द आयंस है ना मैम, उसका 7th नंबर। मैम एसीटेट बोल रही है। हाँ, एसीटेट CH3COO-, इसको एसीटेट के साथ कोई फॉर्मूला बताइए ना। अच्छा, एसीटेट के साथ बताएं, जैसे देखिए सोडियम एसीटेट, ध्यान दीजिए सोडियम एसीटेट कहीं पर लिखिए आप। मैं बताऊं? हाँ, कौन बोल रहे हो तुम? मैम सुमित कुमार। हाँ बोलो, सोडियम एसीटेट। मैम सोडियम का Na+ एसीटेट का CH3COO, दोनों को मिलाकर CH3COONa। हाँ देखिए, जब भी हम कंपाउंड का नाम लिखेंगे पहले प्लस लिखा जाता है उसके बाद माइनस लिखा जाता है, लेकिन इस केस में, इस सोडियम एसीटेट के केस में, चूंकि एसीटेट आयंस बड़ा है इसलिए यहाँ पे हम एसीटेट आयंस को पहले लिखें, दैट इज CH3COO और उसके बाद हम Na लिखें, केवल इसी केस में, केवल एसीटेट आयंस के केस में, और सारे के केस में हम नहीं लिखते हैं, समझे? समझ में आ गया? ओके मैम, सबसे बड़ा आयन कौन सा है? यस मैम, सबसे बड़ा आयन, जैसे यहाँ पर अभी आपको जितना पढ़ना है उसमें सबसे बड़ा आयन आपका एसीटेट आयन है, दैट इज CH3COO-, इसको हम कहते हैं एसीटेट। मैम कैल्शियम फॉस्फेट में PO4 में ब्रैकेट लगेगा ना? हाँ, PO4 में लगेगा क्योंकि P अलग है और O अलग है। मैम और सबसे स्मॉलेस्ट आयन हाइड्रोजन। हाँ, आ गया समझ में? अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नीशियम और एसीटेट। मैग्नीशियम एसीटेट का समझा दें। यस मैम, मस्टली लास्ट वन मैम, एसीटेट और कार्बोनेट। एसीटेट और कार्बोनेट आपको होमवर्क देंगे। अच्छा, समझा देते हैं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। देखिए एसीटेट आप और मैग्नीशियम एसीटेट, हम उसका फॉर्मूला बता दें? यस मैम। हाँ देखिए, मैग्नीशियम एसीटेट, मैग्नीशियम Mg2+, समझ में आया? लिखिए आप लोग, आप देख के ही लिखिए, Mg2+ लिख दिए, Mg2+ लिख दिए। हाँ, आप एसीटेट में लिखिए,
CH3COO-. लिख दिए? यस मैम। तो मैं पहले बोली थी कि एसीटेट बड़ा आयंस है, तो हम एसीटेट को पहले लिखेंगे। तो पहले लिखिए CH3COO, और उसको ब्रैकेट में कीजिए, उसको ब्रैकेट में कीजिए, और नीचे लिखिए टू एसीटेट को। हाँ, एसीटेट को, और नीचे लिखिए टू, क्योंकि क्योंकि मैग्नीशियम का टू आ गया इधर, और उसके बाद आप उसके बाद लिखिए एमजी। एमजी समझ में आया मैम? कैल्शियम मैम। मतलब अगर हम लोग एसीटेट के साथ कोई भी फॉर्मूला कोई भी आयन जोड़ेंगे मैम पॉजिटिव वाला, तो मैम इसका जो CH3 है वो कहीं नहीं जाएगा ना? हाँ, पहले CH3 लिखोगे। एसीटेट के केस में पहले CH3COO लिखोगे। समझ में आ गया मैम? उसी मैम आप जो थर्ड नंबर क्वेश्चन दी थी कैल्शियम फॉस्फेट, मैम बता दीजिए ना। हाँ, कैल्शियम फॉस्फेट, चलिए ठीक है, लिखिए कहीं पर कैल्शियम फॉस्फेट लिखिए। मैम नहीं, कैल्शियम नहीं है मैम, आप दे दीजिए कैल्शियस है मैम। नहीं बेटा, कैल्शियम है, कैल्शियस नहीं होता है। मैम बता चुकी हैं आप कैल्शियम। अच्छा, फिर से बता दे रही हूँ, डोंट वरी। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम Ca2+, Ca2+, और सल्फेट, और सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट बोली थी कि फॉस्फेट बोली थी मैम? फॉस्फेट। हाँ ठीक है, ओके। कैल्शियम Ca2+ हो गया, फॉस्फेट PO4-3-। मैम इसका फॉर्मूला होगा Ca3 ब्रैकेट में PO4-2। हाँ यस, अब देखिए yes, दोनों को आप मिलाइएगा बेटे, तो सी ए और फॉस्फेट का 3 नीचे आ गया। यस मैम। और PO4 उसको ब्रैकेट में लिखिए, PO4 को ब्रैकेट में लिखिए, लिख दिए, और CA का 2 आ गया नीचे, PO4-2। आ गई समझ में? यस मैम। चलिए वेरी गुड। फिर मैं आज कुछ फॉर्मूला दूंगी आपको, आप उसको करने की कोशिश करोगे। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं आज। ओके मैम। चलिए ठीक है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखिए अब केमिकल रिएक्शन होता क्या है? अल्युमिनियम क्लोराइड का बता दीजिए ना। क्या फिर से बोलिए बेटे, किसका बोले? मैम अल्युमिनियम क्लोराइड। अल्युमिनियम क्लोराइड लिखिए, अल्युमिनियम क्लोराइड। अब 34-35 पेज नंबर देख लीजिए। अल्युमिनियम का होता है Al3+, लिख लिए? यस मैम। हाँ, क्लोराइड का सी, हाँ क्लोराइड का Cl- लिख लिए? यस मैम। हाँ, आप दोनों को मिलाइए। यस मैम। तो AlCl3, को ब्रैकेट में नहीं लिखिएगा, AlCl3, नहीं लिखे, क्योंकि Cl इज द सिंबल ऑफ क्लोराइड, ये क्लोराइड का सिंबल है, एक ही है। समझ में आई? Yes, सिंगल आयन yes, है, इसीलिए जब कंपाउंड आयन होता है, जब कंपाउंड आयन्स होते हैं तब उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वो सिंगल आयन है? हाँ बेटा, आपको धीरे धीरे सारा पता चल जाएगा, डोंट वरी, आपको घबराने की बात नहीं है। बुक में जो आयन का सिंबल दिया है उसमें अगर नंबर नहीं लिखा होगा तो वो सिंगल आयन है। हाँ, कौन समझ गया? या फिर मैम उसका स्मॉल लेटर हो तो? हाँ, कुछ कुछ समझ रहे हो yes, आप लोग। देखो देखो बेटा, आपने जो इतना आंसर दिया, बहुत कम बच्चे इतने जल्दी पिकअप करते हैं, क्योंकि ये आपका नया क्लास है, आपके लिए नया चीज है। आप इतना भी समझ रहे हो तो बहुत समझ रहे हो। समझ में आई? ये मत सोचो कि कौन सिंगल आयन है, कौन कंपाउंड आयन है, कैसे समझेंगे। आप सब समझ जाओगे स्लोली एंड स्लोली। पिछले क्लास के पिछले क्लास में बच्चे पूरे साल पढ़े इसी चैप्टर को,
तब बच्चे को समझ में आया। आप लोग तो इतना पिकअप कर ले रहे हो, बहुत कर रहे हो। हाँ तो जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ये सब करवाते रहूंगी आप, डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है आपको, ठीक है। हाँ आइए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हम किसको कहते हैं, अब वो समझिए। केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, केमिकल चेंजेस किसको, यू नो फ्रॉम क्लास फाइव, केमिकल चेंजेस मींस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। जहां कहीं भी अगर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं इसका मतलब कोई नया चीज बन रहा है। आप पीस ऑफ पेपर को ले लो, आप पीस ऑफ पेपर को ले लो, उसको जलाओ, तो ध्यान से समझो सबको, सारे बच्चे, आप एक पीस ऑफ पेपर को लो, उसको जलाओ, तो जलाने के बाद हमको क्या मिलता है, राख मिलता है, एस मिलता है। हाँ हाँ, पीस ऑफ पेपर को जलाने के बाद एस मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ केमिकल चेंज हुआ। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई केमिकल चेंज हुआ। हाँ समझ में आई, केमिकल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में केमिकल चेंज हुआ और बन गया एस में। तो इसी केमिकल चेंज को जब हम एक रिएक्शन के रूप में लिखेंगे देन इट इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। कन्वर्ट एस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज कॉजेज वन सब्सटेंस टू चेंज इनटू अनदर इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ध्यान से समझिए, फिर से एक बार समझिए, लकड़ी है, आप वुड देखे हो, यस मैम, यस मैम, यस मैम, हाँ आप वुड देखे हो, वुड में, वुड को आप माचिस से जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वुड में क्या है, कार्बन है, वुड में क्या है, कार्बन है, एटमॉस्फेयर में क्या, ऑक्सीजन है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो नया चीज बना, ध्यान दो, वुड में क्या था, कार्बन था, और एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है, तो दोनों मिलकर के एक नया चीज बनाया। तो इस प्रकार के चेंजेज को हम कहेंगे केमिकल चेंज। समझ में आ गया, केमिकल चेंज। yes, हाँ जब केमिकल, मैम जो हम लोग गांव में, मैम अगर मैम ठंड होती है तो हम लोग लकड़ी जलाते हैं, तो मैम वही जलाते, मैम वुड को ही जलाते, तो मैम वो जो धुआं होता है या मैम राख बन जाता है उसी को ना। हाँ उसी को कहते हैं। तो केमिकल चेंज हुआ, नया चीज बना, ठीक है। जब इसी, ध्यान समझो पहले, मैम मिल्क में अगर दही को समझा, वो भी है केमिकल चेंज। तो जब हम केमिकल चेंज को, पहले समझ लो बेटे, पहले समझ लो, जब केमिकल चेंज को हम रिएक्शन के रूप में लिखते हैं तब उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया, केमिकल रिएक्शन। सुनो पहले, केमिकल चेंज हुआ तो उसके अंदर कोई कुछ रिएक्शन तो हुआ, तब तो केमिकल चेंज हुआ। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे मैम प्लास्टिक केमिकल रिएक्शन है, हाँ प्लास्टिक, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक इज अ केमिकल रिएक्शन। मैम बर्निंग ऑफ कैंडल मतलब, बर्निंग ऑफ कैंडल, पहले समझो बेटे, आप समझते नहीं हो, बर्निंग ऑफ कैंडल, यस बर्निंग ऑफ कैंडल इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन, बर्निंग ऑफ पेपर इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। जहां नया चीज बनता है उस प्रकार के चेंज को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और मैम पर केमिकल प्लास्टिक को जलाते हैं तो प्लास्टिक ही ना मिलता है, वो गलता नहीं है, आप प्लास्टिक को जलाते देखिएगा तो आपको प्लास्टिक मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो तो गल जाएगा, हम तो क्या मिलेगा, वो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, आकाश में चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर के आकाश में चला जाएगा, उसके अंदर और भी बहुत सारे गैसियस सब्सटेंस बनेंगे, वो कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। एक चीज और समझिए, ध्यान दो,
अब एक नया टर्म है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। किसको हम कहेंगे रिएक्टेंट और किसको हम कहेंगे प्रोडक्ट, अब उसको समझिए। कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है हाँ, तो उसमें जो सब्सटेंस भाग ले रहा है केमिकल रिएक्शन करने में उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। देखिए, सब्सटेंसेस विच अंडरगो अ केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। वैसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन करने में हेल्प करता है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। जैसे वुड के अंदर कार्बन है सो, और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है सो, दोनों को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। दोनों मिलकर के क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। हम एक बार और बता दीजिए रिएक्टेंट। हाँ देखिए, पेपर, पेपर के अंदर क्या है? कार्बन है। एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये पेपर के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों हो गए रिएक्टेंट। तो जो केमिकल रिएक्शन करने में हेल्प करता है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो जैसे C+O2, ध्यान दो, C+O2, तो C+O2 को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे रिएक्टेंट। C+O2 को हम कहेंगे रिएक्टेंट। और जो नया चीज बना उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो नया चीज क्या बना? तो नया चीज बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया वह हो गया आपका प्रोडक्ट। समझे? तो देखिए, अब मैं यहाँ पे लिख करके समझाती हूँ। अब आप लोग समझने की कोशिश करोगे। रुक जाओ, यह हो गया रिएक्टेंट। चिल्ड्रेन आइए, आप बातें नहीं करो प्लीज। ओके, मैम नहीं दिख रहा है। आप इस कॉपी को नहीं दिख रहे हो? कॉपी दिख रहा है मैम, पर उसमें लिखा क्या नहीं दिख रहा है। कॉपी दिख रहा है मैम, थोड़ा डार्क कर दो ना। मैम नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कुछ नहीं। उस पर लिखा हुआ चीज दिख रहा है मैम, थोड़ा सा डार्क। सी प्लस मैम, थोड़ा मैम कुछ नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है मैम? थोड़ा डार्क, मैम थोड़ा डार्क नहीं दिख रहा है। वीडियो जूम कर लीजिए। अच्छा ठीक है, अब देखिए मैम, यस मैम दिख रहा है, ठीक है। यस मैम अब दिख रहा है। यस मैम प्लस दो दिख रहा है, अब दिख रहा है। यस मैम दिख रहा है, यस मैम दिख रहा है। अब सुनिए, C+O2 प्योर दिख रहा है, रिएक्टेंट हो गया। यस मैम, C+O2 रिएक्टेंट हो गया। यस मैम, यस मैम। और बना क्या? CO2। तो CO2 क्या हो गया? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आवाज समझ में मैम? प्रोडक्ट हो गया। यस मैम। ओके, यस मैम, यस मैम, ओके, वेरी गुड। यस मैम समझ में आ गया। चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मैम एक और बार समझा दीजिए ना। देखिए मैम नेट का प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। पेपर में क्या है? कार्बन है। एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट किया तो कार्बन और ऑक्सीजन को हम कहते हैं रिएक्टेंट। पहले हिंदी में समझ लीजिए उसके बाद इंग्लिश में। तो वैसा सब्सटेंस
जो रिएक्शन में हेल्प करता है दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स, और वैसा सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद बनता है दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो कार्बन और ऑक्सीजन को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिएक्शन के बाद बना दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। अब समझ में आ गया? यस मैम। चलिए अब आइए नया टर्म है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन है क्या? आप केमिकल चेंज समझ गए? केमिकल इक्वेशन समझ गए? केमिकल चेंज समझ गए? केमिकल रिएक्शन समझ गए? रिएक्टेंट समझ गए? प्रोडक्ट समझ गए? अब आइए केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एक बार बता दीजिए। केमिकल रिएक्शन उस प्रकार के रिएक्शन को कहते हैं जिसमें केमिकल चेंज होता है और नया सब्सटेंस बनता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन इज दोज रिएक्शंस इन विच अ न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? उसको हम कहते हैं yes, ma'am. अब आइए एक नया टर्म है केमिकल इक्वेशन, किसको कहते हैं? अब एक नया टर्म आ गया इक्वेशन। तो देखिए, जब हम केमिकल रिएक्शन को द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड द फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। देखिए आप केमिकल रिएक्शन को समझे ना अभी? हाँ, जब केमिकल रिएक्शन को ध्यान से समझो, जब केमिकल रिएक्शन को हम कुछ खास सिंबल और फॉर्मूला का यूज करके लिखेंगे, ध्यान से समझे बेटे, जब केमिकल रिएक्शन को हम कुछ खास सिंबल और फॉर्मूला को यूज करके लिखेंगे then it is called as chemical equation। कैसे? देखिए कार्बन, पहले बेटे इधर समझिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? ये केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि मैंने सिंबल यूज किया कार्बन का सिंबल क्या है? सी। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O2। दोनों मिलकर के क्या बनाया? CO2। तो यहाँ पे C+O2=CO2। यहाँ पर CO2 क्या है? यहाँ पर CO2 हो गया केमिकल इक्वेशन। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। C क्या है? मैम, कार्बन का सिंबल है। ठीक है, C क्या है? कार्बन का सिंबल है। मैम, आकांक्षा जैसे आवाज आ रही है। ऑक्सीजन क्या है? O2 क्या है? ऑक्सीजन का सिंबल है। दोनों मिलकर के क्या बनाया? CO2। यहाँ पर CO2 किसका सिंबल है? एक कंपाउंड का सिंबल है। हा? तो ये ऑक्सीजन का O होता है। हाँ, ये क्या है? ये है केमिकल इक्वेशन। मैं फिर से दिखाती हूँ आपको केमिकल इक्वेशन। हाँ, मैं फिर से दिखाती हूँ एक प्रकार का केमिकल इक्वेशन। तो जाइए मैम, प्रोडक्ट को ही केमिकल इक्वेशन कहते हैं? पूरे को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, पूरे को। ठीक है, पूरे को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। मैम, जैसे C+O2=CO2, उसको ये केमिकल इक्वेशन कहेंगे? यस, उसको हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। समझ में आया? उसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। को कुछ और एग्जांपल दीजिए ना। हाँ, दे रहे हैं केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल, हम दे रहे हैं, तुरंत दे रहे हैं। यस मैम। देखिए, आप देख रहे हो H2+O2। यस मैम। H2+O2=H2O। ये क्या है? वाटर है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बना वाटर।
तो एच टू प्लस ओ टू है मैम, सी प्लस ओ टू लिखा है मैम, सी प्लस ओ टू दिख रहा है, सी प्लस ओ टू लिखा है।